छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में शराब माफिया काम करवा रहे हैं, कोल माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया काम कर रहा है, जंगल माफिया काम कर रहा है, जमीन माफिया काम कर रहा है और इस सरकार ने तो धान माफिया भी पैदा कर दिया। जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वह पैसा सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के जेब में क्यों जा रही है। हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि ऐसी भ्रष्ट निकम्मी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी इतने दुर्भाग्यजनक आरोप लगने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई और वे इस्तीफा नहीं दे रहे। पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है ये सरकार, आपातकाल की याद दिला रही है। खाली एक छत्तीसगढ़ राज्य है कि देश में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो पत्रकारों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज यहाँ पर होती है। पहले अरुणा गोस्वामी के खिलाफ में हुई, आज छत्तीसगढ़ के 6 पत्रकार जेलों में हैं। ये सरकार गुंडे बदमाशों को नहीं पकड़ पाती है, हत्यारों को नहीं पकड़ पाती है, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाती है, परंतु एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए दबे पांव सिविल ड्रेस में दिल्ली पहुंच जाती है और इस प्रकार पत्रकारों को दबाव में लाकर अपने खिलाफ समाचार छापने बोलने रोकने के लिए ये सरकार तानाशाही पूर्ण कार्यवाही कर रही है। जो रोहित को गिरफ्तार, रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश इस सरकार ने की है, मैं ये मानता हूँ कि वो लोकतंत्र के 4th स्तंभ के गला घोटने की कार्रवाई है और वो निंदनीय कार्रवाई है। देखिए, अगर उन्होंने माफी मांग ली और फेक न्यूज अगर इस प्रकार का रिपोर्ट होने लगे तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बचेगा। और इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती हैं, पत्रकारों को भी इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जो सत्यता है समाचार वही है कि जो वास्तविकता है, आप अपना न्यूज वही है, न्यूज के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आपके व्यूज के लिए अलग से कलम है, आपके व्यूज के लिए अलग से आप अपने वो बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, उसमें आप करें, परंतु न्यूज के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बताया जमीनों का कैसे अवैध बंदर बांट हो रहा है, अभी ये जो चिटफंड कंपनियां हैं उनकी जमीनें बेची गई, जरा आप निकालने किसने खरीदा, वो जमीन का वास्तविक मूल्य कितना होता है और कितने में खरीदा, किसने खरीदा, और अवैध पार्किंग कितनी हो रही है वो कौन लोग कर रहे हैं। आरोपी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भी धमकी दी गई, तो कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा ले जब तक कोई प्रमाण नहीं हो उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं, हमारे साथ में कोई भी बाजू में, और आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो कोई भी आकर फोटो खिंचा सकता है, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे से आपका संबंध हो सकता है, आप कोई गलत काम करते हैं उसमें मेरा अगर संरक्षण है तो मैं दोषी हूँ, अगर आपने गलत काम किया तो आप दोषी, जरूरत होगी तो हम आंदोलन करेंगे। वर्तमान सरकार में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो नहीं हो रहा हो। तेल से रेत निकालने का काम ये कर रहे हैं, रेत से तेल निकालने का काम। 15 जून को रेत की खुदाई बंद हो जाती है, आज भी आप ही लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल में और समाचार पत्रों में रोज छाप रहे हैं कि चैन माउंटेन नदी में रेत खोद रहा है, रेत के ढेर लगे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच करने की फुर्सत नहीं है। 3,000 रुपए का ट्रक का रेट 15,000 रुपए में बिक रहा है। सरकार के खजाने से जो जितने निर्माण काम है वो महंगे हो रहे हैं, सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है। जंगल माफिया, जंगलों की कटाई हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर हाथी, जंगल हाथियों की हत्या हो जाती है, अब तो पेंथर और लायन की भी हत्या हो जाती है, तो ये जंगल माफिया काम कर रहा है। शराब माफिया तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी शराब का पैसा सरकार के खजाने में आ रहा है उससे दुगना पैसा सरकार के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जेब में जा रहा है।